सुकृत एक्सप्रेस का जो भी स्टाफ होगा उनको सब चीज समझाया जाए। 2024 के हिसाब से इसके 15 साल भी पूरे हो चुके हैं। बहुत 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 बधाई सर, अपने डिवीजन का गाड़ी है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई साहब। और पहले जो गरीब रथ होती थी उसमें इस साइड 3 सीट होती थी, एक मिडल में भी होता था। कल जी यहाँ पे टैप कीजिए, वो पैर से वहाँ पे, और उस पे टैप कीजिए तब पानी गिरेगा। जय हिंद दोस्तों, सभी को स्वागत मेरे कॉर्नर ब्लॉग में, मेरे कॉर्नर में या ट्रेन जर्नी वीडियो में। तो फिलहाल मैं हूं अभी बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस रेलवे स्टेशन पर, और आज एक और नई धमाकेदार मजेदार वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बनारस रेलवे स्टेशन से। ट्रेन नंबर 22541 अपनी बनारस आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस की अपनी ग्रीन ICF लाइवरली के साथ चलती थी, और आज इस ट्रेन को LHB में कन्वर्ट किया जा रहा है भाई साहब। जी हाँ, गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि ICF ग्रीन कलर के LHB में, ICF कोच जो ग्रीन कलर की लाइवरली में चलती थी, उसे आज 7 जुलाई 2024 को LHB में कन्वर्ट किया जा रहा है 3rd AC इकोनॉमी कोच के साथ। ये अपना बनारस रेलवे स्टेशन, जिसे पहले मड़ुआ डी के नाम से भी जाना जाता था, वैसे अपनी ट्रेन का बनारस रेलवे स्टेशन से निकलने का टाइम है 7:20 और प्लेटफॉर्म पर 7 से अपनी ट्रेन निकलेगी। फिलहाल देख लो ये कुछ शाम का माहौल हो रहा है, अभी करीब 6 बज रहा है और भाई साहब कितनी रौनक है भाई ट्रेन। और ये देखो, ये एक ओल्ड जो हेरिटेज अपनी मीटर गेज की ट्रेन चलती थी, भाई साहब कितनी खूबसूरती से सजा के इंडियन रेलवे को रखा है, जो कि यहाँ पे शोभा बढ़ा रहा है रेलवे स्टेशन का। चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और पहले लुक दिखलाते हैं अपने रेलवे स्टेशन का, उसके बाद आपको दिखलाएंगे अपनी 3rd AC इकोनॉमी कोच जो कि है गरीब रथ एक्सप्रेस। भाई साहब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इंडियन रेलवे ऐसा इसलिए कर रही है सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, बाकी बातें करेंगे आपको अंदर। लेकिन भाई साहब एक बार आप रेलवे स्टेशन देखो भाई, ये देख रहे हो एज प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर समय से 1 घंटा पहले गरीब रथ एक्सप्रेस अपने LHB कोच के साथ विराजमान हो चुकी है। मतलब सेंटिंग इसका हो गया भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है अपना लोकोमोटिव, मतलब अपना कोच बिल्कुल ब्रांड न्यू कोच लगा हुआ है, और बाकी यहाँ पे जितने भी कोच हैं। चलिए आगे प्रोग्राम जैसा कुछ हो रहा है, सामने आपको सबसे मिलवाते हैं और क्या हो रहा है वो भी आपको दिखलाते हैं, क्योंकि भाई ये खुशी का मौका है और ऐसे कैसे मिस हो सकता है। देख लो भाई यहाँ पे बनारस रेलवे स्टेशन पर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का जो भी स्टाफ होगा उनको सब चीज़ समझाया जा रहा है, बाकी अपनी AC इकोनॉमी कोच को लगा दिया गया है। देख लो भाई, बात करें अपनी इस गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में तो इसे स्टार्ट किया गया था 3 मार्च 2009, और अगर कैलकुलेट करें तो 2024 के हिसाब से इसके 15 साल भी पूरे हो चुके हैं, मतलब 15 साल पूरे भी हो चुके हैं और इसे अपनी अपनी नई कोच मिल रही है। भाई साहब कहते हैं ना, संसार का नियम है परिवर्तन, सबको एक नए दिन बदलना पड़ता है। उसी के साथ अपनी इंडियन रेलवे भी सुरक्षा को देखते हुए, यात्रियों की कम्फर्टेबल बिटी को देखते हुए, और कुछ जो मतलब सीट नहीं मिल पा रहा था किसी को, किसी का वेटिंग ही रह जा रहा था, उसको भी देखते हुए, लोगों को डिमांड के देखते हुए ये गरीब रथ एक्सप्रेस को LHB में कन्वर्ट किया गया था। तो 15 साल भी अपनी गरीब रथ के हो गए भाई साहब, और LHB भी मिल गया इसे, बाकी अपनी WAP7 लोकोमोटिव लगी हुई है, और भाई ये अपना ब्रांड न्यू इसका जनरेटर कार भी देख सकते हो। ये भाई खुशियों में यहाँ पे मिठाई बांटा जा रहा है, बाकी सबको हैप्पी, बहुत 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 बधाई सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद। देख लो भाई साहब ये मिला हमें लड्डू, और सामने की ओर देख लो, सबको सेलिब्रेशन के रूप में ऐसे दिया जा रहा है। देख लो भाई साहब, देख लो भाई आज पहला रन हो रहा है LHB कोच के साथ, तो कुछ ऐसा सेलिब्रेशन होना चाहिए, अपने डिवीजन का गाड़ी है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई साहब। देख लो यार, ऐसे कुछ मछलियों के शेप में बनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं अपने कोच में, जो भी आगे का प्रोग्राम होना था वो हो गया, मिठाइयाँ बढ़ चुकी हैं और टाइम भी बस होने वाला है, लगभग 20 मिनट का समय बचा हुआ है। अब चलते हैं अपने कोच में, और भाई साहब जो अंदर का इंटीरियर है ना, सबसे मेन टॉपिक तो अपने वीडियो का यही है कि अंदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोच में, अपना कोच नंबर है G6 और सीट नंबर है 31। चलिए चलते हैं अपने कोच में, ये हो गया अपना G6 कोच। चलिए चलते हैं अंदर, और भाई साहब अंदर तो घुसते के साथ पूरा AC वैसी चल रहा है अपना, और ये कुछ ऐसा टूर हो गया अपना। चलिए चलते हैं अपने सीट पे। ओ भाई साहब गजब लग रहा है यार, ये हो गया जी अपना आज का सीट, सीट नंबर 31। और पहले जो गरीब रथ होती थी उसमें इस साइड 3 सीट होती थी, एक मिडल में भी होता था, तो पहले कंजस्टेड सीट और जो पैसेंजर को कंफर्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल नहीं थी। अब LHB कोच हो जाने के कारण एक सीट आपको माइनस हो जाएगा, और जो पैसेंजर को कंफर्टेबल मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही, बाकी इस साइड में आपको वही नॉर्मल रहेगा अपना साइड लोअर मिडल और साइड अपर जो भी है, बाकी अपना बेडरोल वेडरोल सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। और इंटीरियर की बात करें तो सामने की ओर आपको मिल जाएगा सारा चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे मिल जाएगा लाइट, देख लो भाई वर्किंग है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोबाइल होल्डर आप चार्जिंग में लगाएंगे तो, बाकी यहाँ पे हैंगर है और सामने की ओर एक मिरर है, सेम चीज़ उस तरफ भी है, बस मिरर नहीं है उस तरफ, एक चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और आपको लाइट मिलेगा। कैसा लगा इंटीरियर एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई।
मेरे को तो भाई एक नंबर लगा। बाकी आज जो है पहला LHB रन होने वाला है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का, तो मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने आपको शेयर कर ही रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी जो पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ, अपने को पैसेंजर है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। उनको अभी जो LHB कोच कन्वर्ट हुआ है गरीब रथ से, क्या उनको कम्फर्टेबिलिटी के बारे में क्या वो बोलना चाहते हैं जी? आपका पहले नाम बता दीजिए। रोहित सानी। तो आपने पहले भी जर्नी किया है गरीब रथ में? तो हाँ, तो उसमें जो वो सीट रहता था मिडल में, उससे परेशानी तो होती थी पैसेंजर? और अभी जो आज से ये चलने वाला है उसके क्या कहना है आपका? बेटर, मतलब बेटर ही है इससे रिटर्न। और जो सीट जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ चुकी है, जो पहले 600 से 700 सीटें होती थी अब वो सीधे 1600 सीट हो चुकी है। मतलब वेटिंग का तो कुछ लोचा ही नहीं रहा। अब आज के बाद जो भी ये ट्रेन चलेगी, वैसे वीक में दो ही दिन ये ट्रेन चलती है, इंडियन रेलवे को उसे रेगुलर कर देना चाहिए। पैसेंजर डिमांड कर रहे हैं इस ट्रेन का। तो वैसे अब पैसेंजर का भी अपने सुन लिया फीडबैक और मेरा भी सुन लिया। बाकी चलिए आप देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 7:20 पे अपनी ट्रेन यहाँ से निकलेगी बनारस के प्लेटफॉर्म 6 से। तो जी डॉट ऑन टाइम 7:20 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है अपने बनारस मड़ुआडी रेलवे स्टेशन से। भाई साहब बाय बाय। देख लो भाई, देख लो भाई, पहले ही दिन यहाँ पे अभी डिपार्चर भी नहीं हुआ और चेन घिस दिया गया। भाई क्या करते हैं लोग यार, चेन घिस गया भाई। चलो रिलीज हो गया। चलिए अरे ऐसा ना किया करो यार, चेन ना खींचा किया यार। अगर आपको उधर नहीं है तो पहले उधर जाओ, चेन में मत खींचो। एक तो टाइम का वेस्टेज होता है और जो लोग जा रहे हैं उनको परेशानी होता है भाई। लो जी भाई, 5 मिनट के देरी के साथ चेन घींचे जाने के बाद अपना फाइनली डिपार्चर हो गया बनारस रेलवे स्टेशन, मड़ुआडी भी इसे बोलते हैं। बाकी यहाँ पे अपने कुछ ऑफिशियल्स लोग हैं जो कि इंजीनियर लोग हैं, जो आज इसे सी ऑफ कर रहे हैं। बाय बाय सर, बाय बाय सर, भेज देंगे क्लिप। लो जी फाइनली अपना डिपार्चर हो गया बनारस रेलवे स्टेशन से। देख लो भाई, एक और नई ब्रांड न्यू LHB कोचेज यहाँ पे बनारस के यार्ड में खड़ी हुई है, और इसे भी तो मालूम नहीं है कौन सी इसे मिलेगी। बाकी ये हो गया अपना फर्स्ट LHB रन भाई। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है बनारस रेलवे स्टेशन से, तो मैं आपको थोड़ा रूट के बारे में बताता हूँ। देख लो, ये हो गया बनारस रेलवे स्टेशन। इसके बाद अपनी ट्रेन जो वाराणसी यार्ड है वहाँ से कट के भदोही वाली लाइन पर चली जाती है। भदोही से प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ होते हुए मुरादाबाद के रास्ते सुबह के 9:30 आनंद विहार टर्मिनल अपनी ट्रेन पहुंचेगी। और मैं बता दूं, इस बीच में अपनी ट्रेन जो है टोटल 781 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, और इस बीच में ये टोटल टाइम टेकन लेंगे लगभग 14.5 घंटे। और पहले जब ये गरीब रथ ग्रीन कलर की लाइवरली के साथ चलती थी तो इसमें सीट का जो क्वांटिटी था वो कम था, जिसके चलते वेटिंग ज़्यादा लगता था। अब जो LHB लग गया है टोटल 20 कुछ अपने थर्ड AC इकोनॉमी में आ चुके हैं, तो उसके साथ एक कोच में लगभग 80 सीट है, तो मतलब 20 के साथ 1600 सीट भाई साहब। अब वेटिंग लगना तो इसमें चांस कम है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। डिमांड तो है इस ट्रेन का, वैसे वीक में सिर्फ 2 दिन चलती है, और हमारी गुजारिश है एज अ रेल फैन इस ट्रेन को भाई डेली रन किया जाए। क्यों भाई? इस ट्रेन में पेंट्री का नहीं मिलेगा, साइड पेंट्री से ही जो आप खा सकते हैं खा लीजिए भाई। इस ट्रेन में एक यही पूरी सुविधा है कि इस ट्रेन में आपको पेंट्री का नहीं मिलेगा, आपको साइड पेंट्री भले ही मिलेगा, लेकिन जो बेच रहे हैं ना भाई, खाली बेच रहे 130 का। वैसे हमें तो लास्ट तक जाना नहीं है, अभी क्यों नहीं जाना वो बताऊंगा। वैसे इसमें खाली बेचा जा रहा है 130 रुपीज का, और आपको साइड पेंट्री में से वेफर्स और पानी का बोतल मिल जाएगा भाई। अभी जो आपने ट्रेन देखा वो था प्रतापगढ़ बनारस पैसेंजर स्पेशल। बाकी देख लो, इस ट्रेन में आपको पेट्रोल भी मिलता है अपने थर्ड AC इकोनॉमी कोच में, किलो मिलेगा भाई, ब्रांड न्यू किलो है। देख लो पूरा, अभी तो प्लास्टिक भी नहीं हटा हुआ है। बाकी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 चद्दर, वैसे इसमें आपको टॉवल नहीं मिलेगा, टॉवल आपको अलग से मांगना होगा, और ठंड में ओढ़ने के लिए अपना और जो भी है भाई। देख लो, अभी हम इसे खोलेंगे नहीं, बताऊँगा क्यों नहीं खोल रहा हूँ मैं इसे। बाकी दोस्तों अपना अराइवल हो रहा है भदोही रेलवे स्टेशन पर भाई, रात हो गया है तो अपना कैप्चर तो नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों हमारा अराइवल हो गया है भदोही रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर भाई इस ट्रेन में भाई लगभग सारी सीटें पैक हो जाने वाली है। देख लो भाई, बहुत रस है भाई यहाँ पे, बहुत रस है। लगभग आधी जो है बनारस से चढ़ी और आधी यहीं से चढ़ जाएगी।
बहुत तरह से भाई भदोही रेलवे स्टेशन। दोस्तों अपनी ट्रेन जो है 46 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है भदोही रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BOY मतलब बॉय, और ये आता है अपना लखनऊ डिवीजन में और नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। बाकी समय की बात करें तो हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस का भदोही रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम था 8:06, लेकिन हमारी ट्रेन पहुंची भाई लगभग यहाँ पे 17 मिनट की देरी के साथ। वो क्यों हुआ क्यों नहीं, पहला LHB है भाई और पहले LHB में ही 17 मिनट की लेट हो गई। बाकी भदोही रेलवे स्टेशन में मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा रश जो था यहाँ पे बोर्ड किया है, मतलब अपनी ट्रेन में जो है बहुत सारे पैसेंजर यहाँ से बोर्ड किए हैं और लगभग यहाँ से सीट जो है पूरी तरह से पैक हो जाने वाली है अपने भदोही रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे अपनी 2 मिनट का अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। और एक बात और, भदोही से अपने यशस्वी जायसवाल भी हैं, मतलब जो इंडियन क्रिकेटर अपने यशस्वी जायसवाल हैं भदोही से ही बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ था यहाँ पे भदोही पे छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन। बाकी अपनी ट्रेन का सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए देखते हैं सुंदर सा डिपार्चर और आपको और भी इन्फॉर्मेशन देते हैं डिपार्चर के बाद। ये लो भाई हॉन्किंग हो गया, येलो सिग्नल भी मिल गया। चलिए अपना डिपार्चर हो गया भदोही रेलवे स्टेशन से। लो जी फाइनली अपना डिपार्चर हो गया भदोही रेलवे स्टेशन से। दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है भदोही रेलवे स्टेशन से, वहां पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था। चलिए आपको दिखला देते हैं इस नई गरीब रथ एक्सप्रेस की 3rd AC इकोनॉमी की वॉशरूम का कंडीशन और यहाँ पे जो बेसिन है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखलाते हैं आपको। देख लो भाई सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिरर, देख लो भाई, और यहाँ पे आपको बेसिन मिलेगा। बेसिन की एक फैसिलिटीज ये है कि यहाँ पे नए तरीके का वाटर बेसिन है, यहाँ पे टैप करेंगे तो ही पानी गिरेगा भाई, देखो बिल्कुल। यहाँ से आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा, यहाँ पे डस्टबिन मिल जाएगा। कल जी यहाँ पे टाइप कीजिए वो पैर से वहाँ पे, और उस पर टाइप कीजिए तब पानी गिरेगा। देख लो भाई बहुत लोगों को मतलब नया कोच है तो सबको पता नहीं है इसके बारे में। और वहाँ पे डस्टबिन में देख लो भाई सब चीजों का यूज हो रहा है। कौन पैसेंजर कंप्लेन कर रहे थे क्या? अच्छा भैया अगर आपको दिक्कत ना हो तो एक डस्टबिन जवाब नहीं किया, कैसे अलाउ नहीं है तो क्या बाहर दे करके चले जा रहे हैं, तो अगली आइटम करके बाहर दे आए भैया। चलो भाई चलते हैं वॉशरूम में और आपको दिखला देते हैं क्या हाल है वॉशरूम का। नया 3rd AC इकोनॉमी लगा है तो भाई साहब मिरर तो बिल्कुल क्लीन होगा ही। ऊपर में आपको मिल जाएगा लाइट और सेम बेसिन जैसा बाहर है, टैप करने वाला नीचे जैसे तो पानी गिरेगा और कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये हैंड वॉश, इसको भी टैप कीजिएगा तो नीचे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बॉम्बिंग करने वाला जो भी अपना एरिया है देख लो, और यहाँ फ्लश है। और भाई एक्सटिंग्विशर अंदर नहीं है, भाई एक्सटिंग्विशर अंदर नहीं है ये आपने देखा। और अभी जो आपने अंकल जी को देखा मतलब ट्रेन में भी आदमी नहीं मान रहा, पूरा पैर बना के पीटा है, मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया, बाकी क्या रहा है उस पर ये बता देना। पूरा एकदम बना के ब्लैक हो, चलिए बाहर चलते हैं और वो वाला वॉशरूम भी आपको दिखलाते हैं वेस्टर्न, अपना वेस्टर्न स्टाइल। चलिए इसमें चलते हैं भाई, में सारी चीजें वेस्टर्न वॉशरूम में सारी चीजें सेम है, एक यहाँ पे फ्रेशनर ऐड हो जाएगा। और भाई जो ये है ये वेस्टर्न स्टाइल हो जाएगा, मतलब ये बैठने वाला बुजुर्गों के लिए एक तरह से अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे भी है, बाकी यहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। फ्लश कीजिए मतलब टैप कीजिए पानी गिरेगा। बाकी वॉशरूम कंडीशन अभी तो बिल्कुल सही है, अब सुबह होते होते क्या होगा वो तो पैसेंजर ही बताएंगे। बाकी मेरे तरफ से वॉशरूम इंडियन और वेस्टर्न दोनों बिल्कुल परफेक्ट है भाई। अभी हम लोग चंघाई रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे, चंघाई रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम लोग। देख लो भाई कोई यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन है जिसे हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। तो जी हमारा अराइवल हो रहा है प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी भाई बहुत क्राउड है यार इस ट्रेन में चढ़ने के लिए, भाई गजब का क्राउड है यार इस गरीब रथ को देखने के लिए।
बहुत क्राउड है भाई। जी लगभग 20 मिनट के देरी के साथ अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है माँ बेल्हा देवी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MDBP, और यहाँ हमारी ट्रेन पहुंची है लगभग 20 मिनट की डिले के साथ। वैसे हमारी इस गरीब रथ में जर्नी जो है सिर्फ यहीं तक है, माँ बेल्हा देवी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि भाई ये नई ट्रेन खुली थी, नई ट्रेन तो आया नहीं, पुरानी अपनी बनारस गरीब रथ है भाई, अपनी बरेली लखनऊ मुरादाबाद होते हुए कल सुबह 9:30 बजे अपनी आनंद विहार टर्मिनल अपनी ट्रेन ये पहुंचेगी। हमें सिर्फ इस वीडियो में ये दिखाना था आपको कि अपनी ट्रेन जो है LHB कोच में कन्वर्ट हो चुकी है, वो तो मैंने दिखाई, और क्या क्या फैसिलिटीज एड ऑन हुई है वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, और कुछ भी छूटा होगा या फिर कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए भाई सॉरी। और कैसी लगी आपको ये वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया नया टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हेलो भाई, अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से डिपार्चर होता हुआ।